कुमार विश्वास जी की प्रसिद्ध रचनाओं में से एक ये रचना एक पगली लड़की के बिन, इसको प्रस्तुत करना चाहूंगा। चलिए शुरू करते हैं। अमावस की काली रातों में दिल का दरवाजा खुलता है, जब दर्द की काली रातों में गम आंसू के संग घुलता है, जब पिछवाड़े के कमरे में हम निपट अकेले होते हैं, जब घड़ियां टिक टिक चलती हैं, सब सोते हैं हम रोते हैं, जब बार बार दोहराने से सारी यादें चुक जाती हैं, जब ऊंच नीच समझाने में माथे की नस दुख जाती है, तब तब एक पगली लड़की के बिन जीना गद्दारी लगता है और उस पगली लड़की के बिन मरना भी भारी लगता है। जब पोथे खाली होते हैं, जब हर्फ सवाली होते हैं, जब गजलें रास नहीं आती, अफसाने गाली होते हैं, जब बासी फीकी धूप समेटे दिन जल्दी ढल जाता है, जब सूरज का लश्कर छत से गलियों में देर से जाता है, जब जल्दी घर जाने की इच्छा मन ही मन घुट जाती है, जब कॉलेज से घर लाने वाली पहली बस छूट जाती है, जब बेमन से खाना खाने पर माँ गुस्सा हो जाती है, जब लाख मन करने पर भी पारो पढ़ने आ जाती है, जब अपना हर मनचाहा काम कोई लाचारी लगता है, तब एक पगली लड़की के बिन जीना गद्दारी लगता है और उस पगली लड़की के बिन मरना भी भारी लगता है। जब कमरे में सन्नाटे की आवाज सुनाई देती है, जब दर्पण में आंखों के नीचे झाई दिखाई देती है, जब बड़की भाभी कहती है कुछ सेहत का भी ध्यान करो, क्या लिखते हो दिन भर कुछ सपनों का भी सम्मान करो, जब बाबा वाली बैठक में कुछ रिश्ते वाले आते हैं, जब बाबा हमें बुलाते हैं हम जाते में घबराते हैं, जब साड़ी पहने एक लड़की का फोटो लाया जाता है, जब भाभी हमें मनाती है फोटो दिखलाया जाता है, जब सारे घर का समझाना हमको फनकारी लगता है, तब तब एक पगली लड़की के बिन जीना गद्दारी लगता है और उस पगली लड़की के बिन मरना भी भारी लगता है। दीदी कहती है उस पगली लड़की की कुछ औकात नहीं, उसके दिल में भैया तेरे जैसे प्यारे जज्बात नहीं, वो पगली लड़की मेरी खातिर 9 दिन भूखी रहती है, चुपचाप सारे व्रत करती है मगर मुझसे कुछ ना कहती है, जो पगली लड़की कहती है मैं प्यार तुम्ही से करती हूं लेकिन मैं हूं मजबूर बहुत, अम्मा बाबा से डरती हूं, उस पगली लड़की पर अपना कुछ भी अधिकार नहीं बाबा, सब कथा कहानी किस्से हैं कुछ भी तो सार नहीं बाबा, बस बस उस पगली लड़की के संग जीना फुलवारी लगता है और उस पगली लड़की के बिन मरना भी भारी लगता है।